हेलो किड्स, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न डिवीजन। आज हम लोग डिवीजन सीखेंगे, भाग पद्धति सीखेंगे। डिवीजन मीन्स शेयरिंग और डिस्ट्रीब्यूटिंग इनटू इक्वल पार्ट्स। डिवीजन का मतलब है कि किसी निश्चित अमाउंट को बराबर भाग में बांटना या शेयर करना। ठीक है, सो किड्स आई Take an example to understand this। इसको समझने के लिए हम एक example लेते हैं। Suppose you have four brothers sister। मान लीजिए कि आपके पास चार भाई बहनें हैं। Clear? And your father gave you 20 chocolates and tell you you all distribute this chocolate इक्वली एमॉन यू। और पिता आपके कहते हैं कि इस 20 चॉकलेट को आपस में बराबर बराबर बांट लो। देन व्हाट यू विल डू, तब आप क्या करेंगे? ऑब्वियसली यू विल डिवाइड 20 चॉकलेट बाय 4 द नंबर ऑफ यू हैव ब्रदर्स सिस्टर्स। 20 चॉकलेट को 4 से भाग करेंगे, डिवाइड करेंगे, क्योंकि आपके पास चार भाई बहन हैं। क्लियर? सो यू हैव टू डिवाइड हियर 20 डिवाइडेड बाई 4, 20 चॉकलेट्स डिवाइडेड बाई 4। क्लियर? सो इट इज 5, या 5 होता है जब 20 को 4 से डिवाइड करते हैं तो ये 5 होगा। क्लियर? So you will now distribute 5 chocolates among your 4 each brother sister. You will give the 5 chocolates to each brothers and sisters of 4. Clear? Kids, डिवीजन कैन बी अंडरस्टैंड बाय ए डिफरेंट वे। डिवीजन को एक भिन्न तरीके से भी समझा जा सकता है। रिपीटेड सबट्रैक्शन ऑफ द सेम नंबर इज कॉल्ड डिवीजन। रिपीटेड सबट्रैक्शन ऑफ द सेम नंबर इज कॉल्ड डिवीजन। टू अंडरस्टैंड दिस, इसको समझने के लिए आई हैव टेकन एन एग्जाम्पल, मैंने एक एग्जाम्पल लिया है। हेयर इट इज 25 इज डिवाइडेड बाई 5, यहाँ 25 को 5 से डिवाइड करना है। क्लियर? सो व्हेन यू सब्ट्रैक्ट 5 रिपीटेडली फ्रॉम 25 द डिवीजन कैन बी फाइंड आउट। क्लियर? यदि हम 25 में से 5 को कंटिन्यूअस घटाते रहें, सब्ट्रैक्ट करते रहें, तो इसका डिवीजन निकाला जा सकता है। क्लियर? सो यू राइट 25 एंड सब्ट्रैक्ट 5, इट बिकम्स 20। 25 को लिखिए, और चूंकि 5 डिवाइड करना है इसलिए 5 को घटाइए, तो ये 20 हुआ। नाउ सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम 20, इट बिकम्स 15। नाउ सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम 15, इट बिकम्स 10। नाउ सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम 10, इट बिकम्स 5। अगेन रिपीटेडली सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम 5, इट बिकम्स 0। क्लियर? व्हेन इट बिकम्स 0, यू एंड द डूइंग सब्ट्रैक्शन। जब ये 0 आ जाए तब हम सब्ट्रैक्शन करना, घटाना छोड़ देते हैं। नाउ काउंट हाउ मेनी टाइम्स 5 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इट। अब काउंट करिए कि ये कितना बार 5 हम घटाए हैं तो 0 आया है। क्लियर? काउंट 1, 2, 3, 4, 5। सो
when 25 is divided by 5, it becomes 5. Clear, kids? It is very clear. Kids, I think now you understand everything about division. अब हम समझते हैं kids कि आप division के बारे में अच्छी जानकारी आपको हो गया होगा. Clear? Now we are going to make you understand. अब हम आपको समझाने जा रहे हैं the fundamental way by which we can do the division easily. वो मूल तरीका हम आपको बताने जा रहे हैं जिससे आप division बड़े आराम से कर सकते हैं. Kids, those who know the table from 1 to 9, बच्चे kids जो 1 से 9 तक का टेबल जानते हैं, दे कैन डू डिवीजन इजली, वे बड़े आराम से डिवीजन कर सकते हैं. क्लियर? सो आई हैव टेकन एन एग्जाम्पल, द एग्जाम्पल नंबर 2 हेयर. हेयर 18 इज डिवाइडेड बाई 3. आपको यहाँ पर 18 को 3 से डिवाइड करना है. क्लियर? फॉर डिवाइडिंग, डिवाइडिंग के लिए यू रीड एंड काउंट द टेबल 3. हम 3 का टेबल यहाँ पढ़ते हैं. 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 14, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, एंड 18 इज फाउंड हियर. When you get and found 18, you stop here. जब आपको 18 टेबल में मिल जाए, आप रुक जाइए. 18 कितने टाइम में मिला है? 6 टाइम में मिला है. क्लियर? You write 6 here and subtract 18 from 18. When you subtract 8 from 8, it becomes 0. And when you subtract 1 from 1, it becomes 0. Clear? So, 6 is your answer. Clear? Now, another example I took. मैं example number 3 लिया, ठीक है? To understand better, इसको और अच्छी तरह समझने के लिए. Here it is 72 and you have to divide 72 by 9. यहाँ पर 72 हमने लिया और 72 को 9 से divide करना है. So read and count the table of 9. 9 का table read करिए. 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, 9 5 जा 45, 9 6 जा 54, 9 7 जा 63, 9 8 जा 72. Now stop counting the table. जब 72 हमें मिल गया, अब टेबल को काउंट करना बंद करें. और चूंकि ये 8 टाइम में गया है, so write here 8 and write here 72 and subtract from 72. 2 में से 2 को सब्ट्रैक्ट किया 0, 7 में से 7 को सब्ट्रैक्ट किया 0, सो 8 इज योर आंसर. टू अंडरस्टैंड मोर बेटर, और बढ़िया से समझने के लिए, आई हैव टेकन एन एग्जाम्पल नंबर 4. हमने चौथा नंबर एग्जाम्पल लिया. क्लियर? Here we have to divide 84 by 4. यहाँ पर हमको 84 को 4 से divide करना है. Clear? तो then count the table of 4. 4 का table count करिए. 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 जा 16, 4 5 जा 20. When we count up to 10, 10 टाइम तक जब काउंट करेंगे, 84 यू कैनॉट फाइंड इन द टेबल ऑफ 4. 4 के टेबल में 84 आपको कहीं नहीं मिलेगा.
अप टू 10 times, ठीक है, 10 times तक ही हम लोग टेबल को काउंट करते हैं, तो 10 times तक 40 ही होता है, 10 times के बीच में हमको 84 फाइंड आउट नहीं हुआ, 84 नहीं मिला, क्लियर। सो यू लेफ्ट इट्स यूनिट डिजिट, इसके यूनिट डिजिट को आप छोड़ दीजिए, ठीक है, और 10 digit में ही हम डिवाइड करें 4 से, देन काउंट, तब हम काउंट करें टेबल 4 का, 4 1 जा 4 एंड 4 2 जा 8, 8 फाइंड हियर, 8 यहाँ हमें प्राप्त हो गया, ठीक है, यू गेट 8 एंड वी गेट 8 इन 2 times, 2 time में हमको 8 मिला है 4 के टेबल में, सो यू राइट हियर 2 एंड सब्ट्रैक्ट 8 फ्रॉम 8, हियर वी गेट 0 एंड नाउ राइट हियर 4 एंड नाउ राइट हियर 4, अगेन यू काउंट द टेबल ऑफ 4, 4 1 जा 4, हमको 4 1 time में ही प्राप्त हो गया, क्लियर। सो यू राइट 4 1 जा 4 1 हेयर एंड सब्ट्रैक्ट 4 फ्रॉम 8, इट बिकम्स 0, 21 इज योर आंसर, क्लियर। किड्स टू लर्न बेटर आई टूक एन एग्जाम्पल नंबर 5, हेयर वी हैव टू डिवाइड 80 by 4, यहाँ 4 से हम 80 को डिवाइड करेंगे, ऑब्वियसली वी cannot फाइंड 80 इन द टेबल ऑफ 4, हम लोग 4 के टेबल में 80 नहीं पाते हैं, क्लियर, अप टू 10 टाइम्स हम लोग 80 नहीं पाते हैं 4 के टेबल में, क्लियर। सो वी लेफ्ट द वंस डिजिट, इसलिए हम वंस डिजिट को छोड़ देंगे और 10th डिजिट में डिवाइड करेंगे, क्लियर, एंड एट द 10th प्लेस इट इज 8, सो यू काउंट द टेबल 4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, स्टॉप काउंटिंग नाउ बिकॉज 8 इज फाउंड हियर, 8 मिल गया है इसलिए हम काउंटिंग बंद कर देंगे टेबल, क्लियर, 4 2 जा 8, 2 times में 8 हमें प्राप्त हो गया है, सो राइट हियर 2 एंड सब्ट्रैक्ट 8 फ्रॉम 8, इट बिकम्स 0 एंड 10 कैन बी रिटेन हेयर, अब 0 चूँकि वंस प्लेस पर बच गया, सो ये 0 यहाँ पर उतर गया, क्लियर, एंड नाउ 0 के नॉट बी डिवाइडेड बाई 4, अब चूँकि भाग नहीं लग सकता है, सो यू पुट 10 हेयर विथ 2, 2 के साथ 10 डाल देंगे, देयरफॉर 20 इज योर आंसर, क्लियर। नाउ वी विल लर्न द डिविजन क्वेश्चन, डिविडेंड, रिमाइंडर इन द डिविजन फैक्ट, अब हम लोग डिविजन फैक्ट में ये कौन सा डिविजर है, कौन सा डिविडेंड है, कौन सा क्वेशेंट है, कौन सा रिमाइंडर है, ये हम आइडेंटिफाई करना सीखेंगे, पहचानना सीखेंगे, क्लियर। सो वी टेक एन एग्जाम्पल ऑफ 4 टू लर्न डिविजर, डिविडेंड, क्वेशेंट एंड रिमाइंडर, हेयर यू डिवाइड 84 by 4, यहाँ पर हमने 84 में 4 से डिवाइड किया है, सो 4 इज द डिविजन ऑफ एग्जाम्पल नंबर 4, क्लियर, एंड 84 इज डिवाइडेड बाई 4, चूँकि 84 में 4 से हमने डिवाइड किया है, सो 84 इज डिविडेंड, इसलिए 84 क्या है, डिविडेंड, क्लियर, एंड ये 21 टाइम में डिवाइड हुआ है, क्लियर, ये 21 टाइम में डिवाइड हुआ है, सो 21 इज क्वेशेंट,
एंड जीरो इज रिमाइंडर, चूँकि घटाने पर हमको लास्टली क्या आया है, जीरो आया है, सो जीरो इज रिमाइंडर। क्लियर किड्स? यू कैन आइडेंटिफाई नाउ डिवीजर, व्हिच वन इज डिवीजर, द नंबर बाय व्हिच वी डिवाइड, वो नंबर जिसे हम डिवाइड करते हैं डिवीजर होता है, द नंबर व्हिच इज डिवाइडेड बाय सम नंबर, वो नंबर जो किसी नंबर से डिवाइड किया जाता है उस नंबर को हम लोग डिविडेंड कहते हैं। हेयर 84 इज डिविडेंड, क्योंकि 84 में ही हमने 4 से डिवाइड किया है। एंड जितने टाइम में हमको ये डिवाइड आया है या जो आंसर हमको फाइंड आउट हुआ है, दैट विल बी क्वेश्चेंट, वे क्वेश्चेंट हो गया, सो 21 इज क्वेश्चेंट हेयर। एंड लास्टली हमें सब्ट्रैक्ट करके जीरो फाइंड आउट हुआ है, घट करके हमें जीरो आया है, जीरो इज रिमाइंडर, इसलिए शेषफल क्या है, जीरो हुए। ठीक है किड्स, नाउ वी विल लर्न अबाउट द डिवीजन फैक्ट्स, फैक्ट्स ऑफ डिवीजन। देर आर 3 डिवीजन फैक्ट्स हेयर, हम 3 डिवीजन फैक्ट्स यहाँ सीखेंगे। किड्स नाउ वी विल लर्न द फैक्ट्स ऑफ डिवीजन, हेयर इट इज गिवेन 3 फैक्ट्स ऑफ डिवीजन। These facts are very important and you should remember always. ये तीनों फैक्ट बहुत महत्वपूर्ण हैं और आपको इसे तीनों फैक्ट को बहुत याद रखना चाहिए हमेशा। The fact number one is zero divided by anything is zero. Zero को किसी भी नंबर से अगर हम डिवाइड करें तो रिजल्ट जीरो ही होगा। क्लियर? सपोज जीरो डिवाइडेड बाय 25, जीरो डिवाइडेड बाय 25 इट बिकम्स जीरो। अगेन जीरो डिवाइडेड बाय x इट बिकम्स जीरो। सो व्हेन यू डिवाइड जीरो बाय एनीथिंग, बाय एनी नंबर, इट बिकम्स जीरो। जब आप जीरो को किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो ये जीरो होगा। क्लियर? यू शुड रिमेंबर ऑलवेज इट। नाउ द फैक्ट नंबर 2 इज हेयर, डिवाइडिंग ए नंबर बाय 1 गिव्स द नंबर इटसेल्फ। किसी भी नंबर को जब हम 1 से डिवाइड करते हैं तो नंबर स्वयं आ जाता है। सपोज यू टेक 25 एंड व्हेन 25 इज डिवाइडेड बाय 1 इट बिकम्स 25। मतलब कि 25 को जब हम 1 से डिवाइड करेंगे तो ये 25 ही होगा। इट मीन्स When 25 is divided by 1, it becomes 25, the number itself. 25 है, यही number 25 यहाँ आया। Clear? When you divide x by 1, जब हम x को 1 से divide करें, then the number itself and the number is x. So, the result is x. Clear? So, kids, you remember always it. Dividing a number by 1 gives the number itself. मतलब कि 1 को, sorry, यदि किसी भी number को 1 से अगर हम divide करें, तो number itself आता है, ठीक है? Now, the fact number 3, when 2 same number are divided, the answer is 1. If you divide 25 by 25, यदि हम 25 को 25 से डिवाइड करें, माने नंबर को उसी सेम नंबर से डिवाइड करें, the result is 1. Again, when x is divided by x, when x the same number
is divided by x the same number it becomes 1। माने x को जब सेम नंबर x से ही डिवाइड करें तो ये 1 होगा। क्लियर? शो रिमेंबर दीज थ्री फैक्ट्स, दीज थ्री फैक्ट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड सो किड्स, दिस इज द एवरीथिंग अबाउट डिवीजन। थैंक्स।